खुशामदेद कहते हैं आपको अपने इस पार्ट टू जो है हमारा लेक्चर नंबर वन का। लास्ट टाइम जो है हमने सेट की डेफिनेशन देखी, कुछ बेसिक नोटेशन जो है वो सेट की वो हमने देखी। आज के लेक्चर में हम अपने उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो है हम कुछ बाज़ इम्पॉर्टेंट सेट्स के जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आपकी बुक के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा एक क्विक जो है जिसे कहते हैं कि हम रिव्यू कर लेते हैं। पहला सेट जो है एन, आप देखेंगे कि अक्सर जगहों के ऊपर जो है ये आपको एन नोटेशन के साथ मिलेगा। अगर आपको कहीं एन लिखा हुआ मिले तो ये इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ़ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ़ ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब जो है वो आपके मसलन अगर आप उन्हें लिस्टिंग फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो ये हो जाएंगे आपके 1, 2, 3 एन, और ये हमारे तीन डॉट्स वाली नोटेशन यूज़ कर रहे हैं जिसका मतलब है कि आप जितने चाहें नंबर इसमें और इजाफा करते चले जाएँ और ये यानी इसकी कोई एंड नहीं है। ठीक है जनाब। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सेट है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जनाब। तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, उम्मीद है कि आपको पता होगा क्या होगा, हम उसे लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिस्टिंग फॉर्म के अंदर जो है वो हमारा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो अगर हम लिखना चाहें तो वो 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, और फिर हम वही अपनी तीन डॉट्स वाली नोटेशन, आप जितना चाहें इसको आगे इसमें इजाफा करते चले जाएं। इसको जो है बुक के अंदर आपकी वो W से रिप्रेजेंट किया गया। आप याद रखिएगा जहाँ पे भी आपको N या W नज़र आए तो आपको पता होना चाहिए कि N जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं और W जो है वो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह से ये जो जेड की नोटेशन है, यानी बाज़ लोग जो अमेरिका में पढ़े हुए हैं वो इसको जी कहते हैं, ये सेट ऑफ़ ऑल इंटीजर्स है। सेट ऑफ़ ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है जो हमने ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं वो भी शामिल हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी शामिल होंगे इसके अंदर। हम यहाँ से मसलन अगर लिस्टिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बीच से शुरू कर रहे हैं, 0, 1, 2, और अभी आपकी समझ में आएगा कि हमने बीच से क्यों शुरू किया। ये इस तरफ पढ़ते चले जाएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव जो हैं वो हम इस तरफ लिखना शुरू कर देते हैं, -1, -2, और हम ये तीन डॉट्स यहाँ पर भी लगाते हैं कि यानी आप जितना चाहें नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इसमें इजाफा करते चले जाएं। ये हमारे लिस्टिंग फॉर्म के अंदर हो गया। ये सारे सेट्स जो हमने अभी तक देखे हैं ये सब के सब यानी ऐसे सेट्स हैं कि जिनकी जो कार्डिनैलिटी है यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर वो इनफिनिट है, इसलिए हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, इसलिए ये तीन डॉट्स की जो नोटेशन है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेट्स। क्यू जो है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है। आखिरी जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने एक डेफिनेशन आपको दी थी जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि किस तरह से इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को। वो नोटेशन कुछ इस तरह से थी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो सारे उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एक्स हैं, सच दैट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू। ठीक है जनाब। जहाँ पर पी और क्यू जो हैं, पी एंड क्यू आर एलिमेंट्स फ्रॉम अवर सेट सेट या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे। सिर्फ एक कंडीशन थी कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और उसकी वजह हमने आपको बताई थी कि अगर क्यू ज़ीरो हो जाता है तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जो है मसलन पी अपॉन ज़ीरो जो है वो एक अनडिफाइंड जो है वो फॉर्म है मैथमेटिक्स के अंदर। आज तक जो है वो किसी ने बताया नहीं है कि ये पी अपॉन ज़ीरो या कोई भी नंबर डिवाइड बाई ज़ीरो जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सिर्फ इस नंबर को अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन जो है वो बाद में लगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे वो नंबर्स हैं कि जो रैशनल नहीं है। इसी तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो अगर आप बुक में देखेंगे अपनी तो जो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है वो सिर्फ ये बता रही है कि ये वो नंबर्स हैं कि जो रैशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसी एग्जाम्पल के जहाँ पे कोई इरेशनल नंबर है तो सबसे मशहूर जो इरेशनल नंबर है पाई है हमारा। इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। एक जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप इनको डेसिमल नंबर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो डेसिमल नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वो ना तो मसलन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ना रिकरिंग होंगे, ना तो रिपीट होंगे, और ना कोई पैटर्न होगा कि जो रिपीट हो रहा होगा। तो यानी ये जो है ये बस आगे चलते चले जाते हैं। ठीक है, ये भी एक इन्फिनिट सेट है, यानी दुनिया में जो है वो इरेशनल नंबर्स भी उतने ही हैं जितने के रैशनल नंबर्स हैं। और आखिर में हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट सेट है जो आप बहुत ज़्यादा जो है वो उसको देखेंगे या मुख्तलिफ डेफिनेशंस के अंदर आपको नज़र आएगा,
वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी ये सारे के सारे नंबर्स जो अब तक हमने देखे उन सब को अगर आप एक सेट के अंदर डाल दें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे, और सिर्फ यानी आप समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि जो आपके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में नहीं होंगे, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक पहुँचे नहीं हैं। इसलिए जितने भी नंबर्स आप समझते हैं या जानते हैं या देखे हैं आपने, वो सारे के सारे जो हैं वो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाज़ लोग जो हैं वो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स को दो और हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक आर प्लस जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और आर नेगेटिव जो है वो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो आपको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, और कुछ जो हैं ये इनके सिंबल्स हैं जो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए इन सिंबल्स को देख के ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होगा कि ये कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम एक और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सेट उसके बारे में देखते हैं। इसको हम कहते हैं एम्प्टी या नल सेट। एम्प्टी और नल सेट जो है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेट थ्योरी के अंदर। ये एक ऐसा सेट है कि जिसमें कोई मेंबर नहीं है, यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो फी, ये जो ग्रीक लेटर है, ये बराबर एक ऐसे सेट के, अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स वाली नोटेशन में इसको लिखना चाहें, कि जिसका कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। और इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये जो एम्प्टी सेट है ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई मेंबर नहीं है। मसलन फर्ज करें कि मैं आपको एक सेट दूं जो इस तरह से दिया हुआ, यानी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में फी लिखा हुआ है, मसलन एक, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। ये एम्प्टी सेट इसलिए नहीं है कि अगर आप इसके एलिमेंट्स को पूछे आपके कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे इसके एलिमेंट वन है, जबकि हमारा जो एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अगर हम अपनी कार्डिनैलिटी वाली जो है वो नोटेशन यूज़ करें, याद है आपको ओ ऑफ फी जो है तो वो ज़ीरो होता है, ओ ऑफ दिस सेट जो है जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अंदर, ठीक है, ये वन के बराबर है, ठीक है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि एम्प्टी सेट जो है वो एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो हमने सेट यहाँ पे बनाया है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। इसमें फ़र्क है, हमने आपको पहले बताया था कि एक सेट में जो दिल चाहे आप रख सकते हैं, आप एक सेट के अंदर सेट भी रख सकते हैं। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें एक सेट के अंदर एक सेट रखा गया है एक एलिमेंट के तौर पे, और वो जो एलिमेंट है वो खुद एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये जो है ये नल या एम्प्टी सेट नहीं है, ये वाला जो इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे कोई सवाल करे कि जी ये बताइए कि एक सेट ये दिया हुआ है आपको ए, ठीक है, एक सेट आपको दिया हुआ है बी जो फर्ज करें कि इस शक्ल में लिखा हुआ, और फर्ज करें कि एक और सेट आपको दिया हुआ है सी, और ये पूछा जाए आपसे कि ये बताइए कि ये सेट जो है आपस में इनमें कोई ताल्लुक है या नहीं है। ए जो है वो एक नल सेट है, सी जो है वो एक दूसरी फॉर्म के अंदर हमने ये बताया हुआ है कि ये भी एक नल सेट, तो सी और ए जो है वो नल सेट या एम्प्टी सेट को जाहिर कर रहे हैं, और बी जो है वो एक ऐसा सेट है जिसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं, यानी एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है और वो फी है, कोई सिंबल है, या वो एक नल सेट। इस बी को जो है हम अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो अंदर ये जो हमने ये जो चीज़ है ये एक नल सेट हो गया जो एक एलिमेंट के तौर के ऊपर एक सेट में हमने रखा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो नल सेट या एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट है ये आपकी यहाँ पे समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, चलें, ये हमारा जो है तकरीबन हम जो है एंड तक पहुँच गए अपने इस पहले लेक्चर के। इसमें क्विक एक हम अपना देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने सेट की डेफिनेशन देखी, ये कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसमें याद रखिएगा कि डिस्टिंक्ट जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म उसमें जो है इस डेफिनेशन के अंदर है। हमने कुछ सेट नोटेशन देखी जिसमें हमने एप्सिलॉन की जो है नोटेशन ख़ास तौर के ऊपर के जो एलिमेंट्स या मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है, कि अगर कोई मेंबर जो है वो किसी सेट का है तो उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट जो है उसकी डेफिनेशन देखी, ये सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के अंदर। हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो सेट्स देखे नंबर्स के, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और उनके लिए जो सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं बुक के अंदर। और आखिर में हमने जो है एक एम्प्टी और नल सेट की डेफिनेशन देखी, और कुछ जो बाज़ लोग कन्फ्यूज़ करते हैं नल सेट को, उन कन्फ्यूजन्स को जो है हमने देखा कि वो किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, ठीक है। कुछ क्विक जो है वो सवालात कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ सवाल दिए गए, कहा गया है कि गिव अ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट की कुछ जो है वो एक डेफिनेशन दी हुई, और हमसे कहा गया कि इसको लिस्टिंग फॉर्म के अंदर लिखें। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं, ए
इसमें हमसे कहा गया है कि ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स. हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें हमसे सिर्फ कहा गया है कि हमें वो सारे नंबर्स चाहिए कि जो 6 से छोटे हों, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये इसका आंसर हो गया. बी पे आए, बी जो है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि सेट को लिखें, बी इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6. हमें पता है कि होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं, यानी ज़ीरो भी शामिल है उसके अंदर. तो हम बी जो है उसको इस तरह से लिखेंगे, 0, 1, और अगर आप ना लिखना चाहें सारे नंबर बीच के तो तीन डॉट्स वाली नोटेशन यूज़ करके, और फिर आखिरी एलिमेंट जो है वो लिख लें आप, 5 लेस देन 6, 6 शामिल नहीं है इसके अंदर. सी जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि एक सेट की जो है वो वर्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई है, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10. तो हमें बताया गया है कि ये जो सेट है ये एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है कि जो 10 से छोटे और 10 के बराबर हैं. तो हम जो है वो लिख लेते हैं इनको. नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1, 2, 3 होते हैं. हमने 1 नहीं, हम अभी सवाल पूछ, हम ये 1 जो है ये शामिल किया जा सकता है, नहीं शामिल किया जा सकता. देखें सवाल पे जाके देखें, सवाल कहता है कि हमें सिर्फ इवन नंबर्स जो हैं वो उनको शामिल करने की इजाज़त है. हम इसको 1 को यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ये हम इस सेट में नहीं डाल सकते. ठीक है जनाब, तो हम इसमें हम 2 ले सकते हैं. ठीक है, इसमें हम जो है वो 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 10, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 10 की जो है वो कंडीशन है यहाँ पर. तो इस तरह से सी हो गया. डी में हमसे कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो मेंबर्स हैं सच दैट एक्स इज़ अ होल नंबर बिटवीन 2 एंड 7. सो एक्स जो है वो होल नंबर्स हैं. होल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, होल नंबर्स जो है हमारे वो 0, 1, 2, 3. तो लेकिन इसमें हमें कंडीशन ये दी गई कि हमें सिर्फ वो नंबर्स जो हैं वो इस सेट के अंदर शामिल करने हैं कि जो 2 और 7 के दरमियान हैं. तो और 2 और 7 उसमें शामिल नहीं है, तो हम 3, 4, 5 और 6 जो हैं ये मेंबर हो गए इस सेट के. लिस्टिंग फॉर्म में ये हो गई सेट की डिस्क्रिप्शन. आखिरी जो है ई, वो सिर्फ आपको जो है वो कहा